हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं विकास मौर्य, आपका अपना यूट्यूब चैनल। आओ कुछ करना सीखें को सब्सक्राइब करें ताकि फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण का निर्माण। तो दोस्तों, अब हम ये देख लेते हैं, तो हमने पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा था। तो देखिए, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण अभी तक हमने सीखा था। उसमें सीखा था स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति। तो हमने सभी सीख ली थी। उसमें सिक्स कंडीशन थी, कितनी? सिक्स। तो हमने सभी सीख ली थी। तो हमें एक अवतल दर्पण बना लेते हैं, फिर से सीखते हैं क्या क्या सीखा था, देखते हैं एक बार। यह हमारा मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष। यह हमारा ध्रुव हो गया, मतलब पोल। यह मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र। ठीक है दोस्तों। और यह हमारा इनफाइनाइट, मतलब अनंत। तो देखिए दोस्तों, जब हमारी वस्तु, पहले हमने जो ट्रिक बताई थी, ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं, पहले हम सिक्स कंडीशन खींच लेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें नंबरिंग करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसको उल्टा कर देंगे यहां से, 5, 4, 5, सॉरी 3, 2, 1। ठीक है, और ये सिक्स वाली अभी लास्ट में बताएंगे बाद में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जब वस्तु हमारी अनंत पर होती थी तो उसका प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता था? मुख्य फोकस पर, मतलब 1 का 1 पर। ठीक है, तो देखिए दूसरी कंडीशन, जब हमारी वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में होती है तो वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में बनती है, मतलब नंबर 2 पर वस्तु। नंबर 2 पर जो वस्तु होगी उसका प्रतिबिंब नंबर 2 पर। यह हमारी वस्तु है सभी, ये हमारी वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। ठीक है, तो अब जो वक्रता वक्रता केंद्र पर होती है उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। ठीक है, और जो वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में होता है उसका वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर। ठीक है, और 4 का 4 से और 5 का 5 से, जो वस्तु हमारी मुख्य फोकस पर होती है उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ठीक है, अब सिक्स वाली कंडीशन देखिए। सिक्स वाली कंडीशन में जो होता है वो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, कहाँ? दर्पण के पीछे। ठीक है, तो हमारी ये सिक्स कंडीशन हो गई स्थिति। तो दोस्तों, अभी तक हमने सिक्स स्थितियां सीखी, मतलब स्थिति सीखी, और अब हम सीखेंगे आकार। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब ये जो दो हैं, मतलब मुख्य फोकस तथा इसके बीच वाली, बीच वाला प्रतिबिंब, तो इसका आकार जो होगा छोटा होगा। कैसा होगा? छोटा। और ये जो 5 और 4 नंबर है ये बड़ा होगा, इनका आकार बड़ा होगा। ठीक, और 3 वाले का बराबर। ठीक है, जो 6 वाली कंडीशन है, बड़ा मतलब बड़ा। ठीक, वस्तु से बड़ा। ठीक है, अब हमने आकार सीख लिया, स्थिति सीख ली, अब इसमें प्रकृति सीखेंगे। क्या प्रकृति? तो दोस्तों, अब इसमें हम प्रकृति सीखेंगे। क्या प्रकृति? देखिए, दर्पण के इधर, मतलब यहां से लेकर ये दर्पण जितना है, इधर अगर जितनी वस्तुएं होंगी वो सभी वास्तविक होंगी। कैसी? वास्तविक। और जो इधर, जितने इधर, मतलब दर्पण के इधर प्रतिबिंब बनेंगे वो सभी वास्तविक होंगे, और जितने दर्पण के उधर बनेंगे प्रतिबिंब वो सभी आभासी। आभासी होंगे। ठीक है, जितने उधर बनेंगे आभासी, जितने इधर होंगे वास्तविक।
अब इसमें देखिए उल्टा और सीधा कैसे होता है। जितने दर्पण मुख्य, मतलब देखिए ये मुख्य अक्ष हमारा है, ये पूरा मुख्य अक्ष है, यहाँ तक जितना मुख्य अक्ष के नीचे जितने प्रतिबिंब बनेंगे मुख्य अक्ष के नीचे, वो सभी उल्टा, और जितने ऊपर बनेंगे, ये वाला ऊपर बनना है केवल, और सभी नीचे ही बनेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा सीधा, ठीक है। तो हमने अभी तक इतना सीखा था, अब हम इसमें सीखेंगे। तो दोस्तों उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण सीखेंगे अब हम। तो सबसे पहले हम एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं। क्या उत्तल दर्पण? उत्तल दर्पण अंदर की तरफ पॉलिश कर देंगे, हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम मुख्य अक्ष खींचेंगे, क्या खींचेंगे? मुख्य अक्ष, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। अब इसमें यहां पर हमारा ध्रुव हो गया, मुख्य फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है, और ये अनंत हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसकी कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है दोस्तों, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हमारी वस्तु ये है, ठीक है, पता नहीं बहुत दूर है दिख नहीं रही ना, तो हमने ये अनंत मान लिया। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर है जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है ना, मुख्य फोकस से। तो हम इसमें दिखा देंगे ऐसे, यह मुख्य फोकस से गुजर रहे, ठीक है, ऐसे दिखा देंगे, और इसमें ये वाली रिफ्लेक्टेड होकर सीधा इधर आ जाएगी, ये वाली इधर चली जाएगी। तो इसमें हम आभास कर रहे हैं ना, इसमें मान रहे हैं कि यहां आ रही किरणें, यहां पर मिल रही, कहां पर? मुख्य फोकस पर। हम यहाँ पर आभास कर रहे हैं ना, देखिए रियल रियल जो, मतलब जो वास्तविक प्रकाश किरण थी वो इधर ही परावर्तन हो गई, और वास्तविक ये भी परावर्तन हो गई, और हम मान रहे हैं कि यहां पर मिलेगी ना, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजरती है, तो हम यहाँ पर मान रहे हैं कि गुजर रही है, तो हमारा यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब, ठीक है, हमारा प्रतिबिंब, और यहाँ पर हमारी वस्तु थी, ठीक है, हमारा यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया। तो हमारे हमने ये देखा, अब इसमें देखें आकार, आकार और स्थिति, स्थिति और प्रकृति। तो देखिए दोस्तों आकार, आकार हमारा कैसा है? छोटा, मतलब वस्तु से छोटा, मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा। स्थिति हमारी कैसी है? स्थिति, स्थिति मतलब कहाँ है? फोकस पर, कहाँ है? मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। देखिए स्थिति हमारी मुख्य फोकस पर है, क्योंकि प्रतिबिंब हमारा है मुख्य फोकस पर बनना, तो स्थिति हमारी मुख्य फोकस हो जाएगी, ठीक है। और हमारी प्रकृति क्या होगी? प्रकृति होगी एक दर्पण के उधर बनना है प्रतिबिंब, दर्पण के इधर, ये प्रतिबिंब यहां पर बनना, दर्पण के इधर, तो हमारी कैसी होगी? आभासी, अभी बताया था आभासी, आभासी और सीधी, यहां पर ऊपर जाकर बनेगी वस्तु, जो हमारी प्रतिबिंब होगा, मतलब इमेज, हमारा जो प्रतिबिंब होगा ऊपर बनेगा, तो हमारा यहां पर क्या हो जाएगा? सीधा, ठीक है। तो हमारी प्रकृति हो गई, स्थिति हो गई, आकार हो गया। तो अब हम अगला वाला टॉपिक देखते हैं, दो ही टॉपिक्स में है दोस्तों। दूसरी कंडीशन, जब वस्तु
अनंत तथा ध्रुव के बीच में, मतलब यह हमने उत्तल दर्पण बना लिया है, यह हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है, और यह हमारा मुख्य फोकस हो गया, यह हमारा वक्रता केंद्र हो गया, यह हमारा ध्रुव हो गया। अब इसमें देखिए, यह हमारा अनंत हो गया, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में हो, मतलब वस्तु जब यहाँ पर हो, यहाँ पर कहीं हो ना, यही तो बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारी वस्तु है, क्या है वस्तु, इसके इसके और इसके बीच में हो, ठीक है, तो हमने ये वस्तु रख ली। अब इसमें देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, नहीं मुख्य फोकस से, तो ये हमने मान लिया मुख्य फोकस से जा रही है। देखिए डॉट डॉट कर लिया, ये मान लिया हमने मुख्य फोकस से जा रही है। रियल जो हमारी है प्रकाश किरण, वो तो परावर्तन के पश्चात वो तो उधर मुड़ जाएगी ना, दर्पण के इधर ही रह जाएगी, और जो आभास मंत्र हमने जो मानी है वो वाली ये है, ठीक है। और इसमें देखिए, वक्रता त्रिज्या से जाने वाली प्रकाश किरण, मतलब वक्रता त्रिज्या से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात वक्रता त्रिज्या पर ही लौट जाती है, कहाँ, वक्रता त्रिज्या पर ही, तो ये परावर्तन के पश्चात वक्रता त्रिज्या पर ही यहाँ लौट जाएगी, मतलब इधर से जाएगी और इधर ही लौट जाएगी, क्योंकि दर्पण के इधर ही रहेगी, उधर जाएगी नहीं, क्योंकि इधर हम मान रहे हैं कि इधर जा रही, क्योंकि दर्पण के पार कोई किरण तो जा नहीं सकती, तो हम मान रहे हैं कि इधर जा रही है, तो माना कि यहां पर मिलेगी, यहां पर, ठीक, कहां पर, यहां पर मिलेगी, क्योंकि यहां पर दो किरणें काट रही हैं, दिख रही हैं कटती, क्योंकि आभासी हैं, वास्तविक किरण तो ये है, आभासी किरण ये है, क्योंकि हमने ये मानी है, ठीक है। तो हमारी प्रतिबिंब कहाँ होगा, यहाँ पर प्रतिबिंब, ठीक है दोस्तों, प्रतिबिंब। तो हमने अभी तक ये देखा, अब इसमें हम देखते हैं आकार, स्थिति, प्रकृति। तो हमारा आकार इसमें क्या है, आकार हमारा वस्तु से छोटा, देखिए वस्तु ये इतनी है, प्रतिबिंब हमारा छोटा ही, तो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, ऐसा है वस्तु से छोटा। अब देखिए इसमें स्थिति, स्थिति हमारी क्या है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में, क्या है, ध्रुव, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, ठीक है दोस्तों, ध्रुव और फोकस मतलब मुख्य फोकस के बीच में, देखिए बीच में वस्तु है, बीच में प्रतिबिंब है, बीच में ही तो है, तो हमारा इसके और इसके बीच में होगा, और हमारी प्रकृति क्या होगी, प्रकृति हमारी होगी आभासी एवं सीधी। देखिए सीधी इसलिए होगी क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर है, नीचे होगी तो उल्टा, और आभासी क्यों है, क्योंकि दर्पण के उस ओर है, दर्पण के जब इस ओर होती थी तब क्या होती थी, वास्तविक, क्योंकि वास्तविक इधर देख ले, जो हमारी किरणें मिलती हुई दिखाई देती हैं, मतलब हमने जो आभास मतलब मानी होती हैं, तो अगर उधर दर्पण की मतलब किरणें जाएंगी, वहां पर प्रतिबिंब बनेगा, तो हमारा सीधा आभासी ही होगा, अगर वास्तविक किरणों से बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, तो हमारा यह प्रतिबिंब कैसा है, आभासी, आभासी एवं सीधा।
सीधा। ठीक है दोस्तों, तो हमने अभी तक ये अवतल दर्पण सीखा। अवतल दर्पण में दो स्थितियां होती थी, जब वस्तु तो अनंत पर हो और जब वस्तु तो अनंत तथा ध्रुव के बीच में हो। तो हमारी ये दो स्थितियां थी, तो हमने अभी तक सीख लिया। अब हम अगले लेक्चर में सीखेंगे।